दिग्रस तहसील में सोमवार को दुखद खबर सामने आई है, जिसमें शहर के पड़गिलवार लेआउट में रहने वाली 40 वर्षीय सरकारी महिला कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से दुर्भाग्यपूर्ण मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब तक दिग्रस तहसील में कोरोना संक्रमण से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल सोमवार शाम को हाथ आए 80 आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजों में केवल लक्ष्मीनगर से एक रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मालूम हो कि 25 सितंबर को यवतमाल भेजे गए 80 स्वैब सैंपल में सोमवार को प्राप्त 79 निगेटिव और एक पॉजिटिव रिपोर्ट शामिल है। गौरतलब है कि रविवार को दिग्रस कोविड केयर से जहां 4 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया था, वही 7 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें तहसील के 3 कर्मचारी पॉजिटिव होने की जानकारी थी। बहरहाल रविवार को हिंदनगर से एक, ड्रीमलैंड सिटी पार्क से एक, पाटिल नगर से एक, गुरुदेव नगर से एक, साई समर्थ नगरी से एक, जैन मंदिर परिसर से एक, वही पुसद निवासी तथा दिग्रस में कार्यरत एक शख्स पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद कुल एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83 हो चुकी थी, जो कि सोमवार शाम खबर लिखने तक एक पॉजिटिव के साथ और 7 लोगों को डिस्चार्ज दिए जाने से कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 84 से लुढ़क कर 77 हो गई है। गौरतलब है कि सोमवार को दिग्रस के ग्रामीण अस्पताल पहुंचकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने दिग्रस के कोरोना योद्धाओं का सत्कार कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। मालूम हो कि संस्था के यवतमाल जिला अध्यक्ष विवेक मन्नरवार ने ग्रामीण रुग्णालय में आयोजित कार्यक्रम में कोविड केंद्र प्रमुख डॉक्टर अभय गोविंदवार, अगल दर सिस्टर, एम्बुलेंस चालक नीलेश राउत सहित अन्य कोरोना योद्धाओं का सत्कार कर उनका मनोबल बढ़ाया। गौरतलब है कि सत्कार समारोह में शामिल सिस्टर अगल दर का नाम उल्लेखनीय इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में सिस्टर अगल दर के पिता की मौत हो चुकी है, जिसके दूसरे दिन सिस्टर ने ड्यूटी ज्वाइन की थी, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ बात है। बहरहाल इस मौके पर ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टरों सहित कर्मचारी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।